Hey everyone, welcome back to our channel. So, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लॉन्ग लेयर हेयर कट. जी हाँ, तो आप यहाँ पर डमी के जो हेयर है की लेंथ आप देख सकते हो. इतने लेंथ में ही मैं हेयर को कट करूँगी. कैसे करना है बहुत ईजी वे है, मैं आपको दिखाने वाली हूँ. सो सबसे पहले हमें कोई भी हेयर कटिंग करनी है ना, तो टू पार्टिंग में हेयर को डिवाइड कर लेना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ. एंड इसके बाद हमें सेक्शन बनाना है. तो सबसे पहला सेक्शन जो होगा ईयर टू ईयर होगा, इस तरीके से मैं जैसे निकाल रही हूँ. अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हो, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा. और आप मेरे ब्यूटिशियन क्लास अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो वीडियोज़ में जाकर चेक करिए, आप ज्वाइन करिए, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा. तो इस तरह से पहले आपको सेक्शन बना लेना है. अब आपको कैची कैसे पकड़नी है आप वो देखिए. तो सबसे पहले आपको अंगूठे एंड मिडिल फिंगर को डालना है. इसके बाद आपको कॉम्ब कैसे पकड़ना है आप देखो, आप पे डिपेंड करता है, आपको जैसे सुविधा हो. मुझे ऐसे कंफर्टेबल लगता है तो मैं ऐसे कर रही हूँ. और सबसे पहले हम एक बेस बना लेंगे. और जितनी ज़रूरत है, बहुत हल्की सी मैंने कट की है, जितनी मुझे ज़रूरत थी. लॉन्ग हेयर कट चाहिए, जितनी ज़रूरत हो उतनी आपको करनी पड़ेगी. तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कट कर लिया है. एंड अब फिर मैं क्राउन एरिया से सेक्शन बना रही हूँ. इस तरीके से आपको सेक्शन बना लेना है. आपको ज़्यादा नहीं सोचना है कि आपका सेक्शन गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बिल्कुल ऐसा मत सोचना. बहुत इजी है सेक्शन निकालना, आप देखो कितना इजी है. बहुत इजी वे में मैं बता रही हूँ, आप ऐसे करोगे ना तो क्लाइंट आपकी खुश हो जाएगी. तो यहाँ पर इस तरीके से सेक्शन हो गया, पहले फ्रंट का हुआ, देन क्राउन एरिया का हुआ, अब मैं बैक एरिया का कर रही हूँ. तो जो भी होगा लेकिन पार्टिंग मिडिल ही होनी चाहिए आपकी 100%, ये याद रखिए. गलती नहीं करनी है आपको, मिडिल पार्टिंग रखनी है. एंड यहाँ पर मैं आपको सिक्योर करके दिखा रही हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए. तो ये हो गया, ये सेक्शनिंग मैंने कर लिया है ना. फ्रंट की हेयर को आप देख सकते हो. और यहाँ पर एक बार फिर से आप सेक्शन देख लो, ये क्राउन एरिया एंड ये बैक एरिया. तो तीन सेक्शन में मैंने इसे डिवाइड किया है. तो सबसे पहले फ्रंट से हम लेयर कट करेंगे. मैं और भी बहुत दो तीन तरह से लेयर कट होती है, बट मैं सबसे इजी वे में बता रही हूँ. तो फ्रंट में आपको सबसे पहले टू पार्टिंग हेयर में ए शेप में हेयर निकालनी है, सामने की फ्रंट की, जैसे मैं निकाल रही हूँ. आप देखिए, याद रखिए ए निकालना है. तो ये डमी की हेयर पूरी जैसे हम लोगों की तरह नहीं होती है, तो इसमें प्रॉपर ए नहीं निकलेगी. बट आप रियल हेयर में करोगे तो आपको ए निकालनी है. और अब हमें डब्लू कट करना है. तो आप देखो W कैसे कट हो रहा है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. ये देखिए, ये W हो गया ना, आप यहाँ पर शेप मिलाइए, देखिए W हो गया है. ओके, नाउ अब हमें जो है ऊपर से फ्रंट से एक बेस मिल गया है. अब इस बेस के अकॉर्डिंग ही हम बाकी की हेयर को जो है कट करेंगे. तो सबसे पहले आपको क्लाइंट से पूछ लेना है कि उनको फ्रंट में कितनी शॉर्ट हेयर चाहिए, देन उसके अकॉर्डिंग आपको लेयर कट करनी है. तो किस तरीके से आपको एंगल करना है आप ये देखिए, किस तरीके से आपको कॉम्ब घुमाना है और आपको किस तरीके से पकड़ना है एंगल शेप में, आप देख सकते हो. एंड आपको सीजर कैसे पकड़ना है वो भी देख लो. तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने किया. और आपने जो फ्रंट की हेयर कट की थी उसी के अकॉर्डिंग आपको बाकी की हेयर कट कर देनी है. आप देखो मैंने कैंची कैसे पकड़ी हुई है, आपको इस तरीके से ही करनी है. कट आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप वैसे कट करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको. कटिंग की मैंने यहाँ पर बता दिया आपको, आपको बस टेक्निक पता होनी चाहिए. तो यहाँ पर जिस तरीके से आप पकड़ रहे हो, यहाँ पर देखो मैं जिस तरीके से एंगल शेप में पकड़ रही हूँ उसी तरीके से काट रही हूँ. यहाँ पर मैं ये दिखा रही हूँ कि आप नीचे से भी कट कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में नीचे से करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी. इसलिए पहले ऊपर से आप कट कर लो, देन नीचे से अगर समझ में ना आए देन नीचे से आप कट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको दिखाया. तो यहाँ पर आप देखो लेयर कट हो चुका है, मतलब अभी प्रॉपर नहीं हुआ है, आपको चेक करना है. देन फिर से एक बार क्लीन करके ये करना है, कट करना है. तो यहाँ पर मैं क्लीन से कट कर रही हूँ क्योंकि थोड़ी बहुत हेयर जो है ना वो रह जाती है. तो आपको चेक करना है देन फिर कट करना है. बस ध्यान में रखिए स्टार्टिंग में आप बिल्कुल हेयर को छोटा मत कर दीजिए ताकि फिर कट करने के लिए बचे ही ना हेयर और कट खराब हो जाए, ऐसा नहीं करना है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं बस थोड़ा सा हेयर किस तरीके से मैंने शेप किया, बहुत थोड़ा सा हेयर कट हुआ. और अब हमें यहाँ पर आपको आपके हाथों को रोकना नहीं है, तभी आपकी लेयर है जो बहुत सुंदर बैठेगी. और यहाँ पर आप देख सकते हो ना, अब आपको ये गलती नहीं करनी है. यहाँ पर आप
मैं आपने एक साइड किया और यहाँ पर मैंने क्राउन एरिया को ओपन कर दिया, तो आपको ये नहीं करना है। आप पहले जैसे कि मैंने किया है, पहले लेफ्ट साइड का कर लिया, देन अब मैं राइट साइड का करूँगी। मैं वीडियो के अकॉर्डिंग ऑफकोर्स आपको बताऊँगी। तो पहले मैंने कर लिया है लेफ्ट साइड का, इसके बाद फ्रंट की आप राइट साइड करोगे। ऐसा नहीं कि फ्रंट का आपका आपने एक साइड कर लिया देन बैक के आपको क्राउन एरिया में आपने हाथ लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। पहले मैंने लेफ्ट के फ्रंट का किया, अब मैं राइट के फ्रंट का करूँगी, क्योंकि दोनों मैच होना, दोनों बराबर होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, वरना फिर हेयर कट ख़राब हो जाएगी ना। ऊपर में जो बेस हमारा हमने बना लिया था उसी के अकॉर्डिंग फिर सेम प्रोसेस से मैं हेयर को कट करूँगी। और आप देख रहे हो हाथ एंड कैची दोनों ही नहीं रुकनी चाहिए, अगर रुक गई तो फिर हेयर कट है जो थोड़ी बहुत ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पर आप अपने हाथों में उतने ही बालों को लें जितना आप ले पा रहे हो हाथों में, ऐसा नहीं कि ज़्यादा ले लो और फिर आप ठीक से पकड़ ना पाओ। तो यहाँ पर आप देखिए दोनों बराबर कट हो चुका है, मैंने यहाँ पर आपको दिखा भी दिया। अब हम क्राउन एरिया को करेंगे ओपन एंड लास्ट के जो लेंथ है उसे हम ले लेंगे, किस तरीके से वो आप देख लीजिए। तो ये मैं लेंथ ले रही हूँ, लास्ट लेंथ जो है लेकर बाकी के हेयर को सेक्शन कर देना है, क्योंकि जो लास्ट लेंथ है उसके अकॉर्डिंग हमें अब बैक की तरफ चलना है, क्योंकि ये लॉन्ग लेयर कट है तो हमें लॉन्ग हेयर को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम इस तरीके से कट करेंगे। और हमने जो बेस ले लिया था यहाँ पर आपको दिखेगा, मैं दिखाऊंगी यहाँ पर, उसी बेस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ध्यान दे रहे हो कि मैं हाथ को नीचे की तरफ करके ही काट रही हूँ। शॉर्ट हेयर में लेयर कट कैसे करते हैं वो भी मैं दिखाऊंगी। पहले मैंने सोचा एक ही डमी में पहले लॉन्ग दिखा दूँ देन शॉर्ट दिखाऊंगी। तो यहाँ पर बेस था मेरा जो हेयर कट हुए थे उसी के अकॉर्डिंग बाकी के हेयर को हम सेम टेक्निक से कट कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने पकड़ा हुआ है, जिस तरीके से आपने कैची रखी हुई है, उसी तरीके से आपको हेयर कट करते हुए चले जाना है। कैची आपको सही पकड़नी होगी, अगर आप गलत पकड़ोगे तो हेयर कट भी गलत ही होगी। बस हेयर कट में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्या ध्यान देना है मैं आपको तो बता ही रही हूँ। तो यहाँ पर आप देखो कि बहुत खूबसूरत सा लेयर कट आ गया है। अब फिर से अब हम राइट का क्राउन एरिया को ओपन कर लेंगे एंड यहाँ के भी हेयर को कट कर लेंगे, क्योंकि बराबर होना काफ़ी ज़रूरी है। और आप ये देखिए यहाँ पर मैंने फिर से बेस को पकड़ लिया है एंड यहाँ पर मैं सेक्शन क्लिप लगा दूँगी ताकि आपको फ्रंट में क्लियर दिख सके। तो इस तरीके से आपको नीचे की तरफ ही कट करनी है। नीचे की तरफ आप जितना कट करोगे आपकी हेयर उतनी ही लॉन्ग रहेगी, आप जितना ऊपर की तरफ करोगे हाथ उतना ही शॉर्ट होता चला जाएगा। तो ये लॉन्ग है तो नीचे की तरफ ही करना है। तो आप यहाँ पर देखो फिर से मैं इसे कट कर रही हूँ क्योंकि बराबर हमें करना है। और यहाँ पर हो गया है, अब हम बैक का काम करेंगे। तो बैक की भी फिर से हमें सेम करनी है, एक बेस ले लेना है ताकि हमें पता चले कि कितनी हमें कट करनी है। ये बेस मैंने निकाल लिया, फिर बाकी के हेयर को जो है वो सेक्शन से सिक्योर कर दूंगी एंड फिर उसी बेस के अकॉर्डिंग हम हेयर को कट करेंगे, बट सामने की तरफ लाके, पीछे की तरफ नहीं, सामने की तरफ लाके करनी है। ये देखिए बेस है हमारा, तो इसके अकॉर्डिंग अब मैं यहाँ पर हेयर को कट कर लूँगी। बहुत ईजी प्रोसेस है, बहुत लोग डरते हैं, लेकिन डर के काम करोगे ना तो ठीक नहीं होगी। आप बिना डरे काम करो, आप ठीक पास हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो चुका है, एक साइड का कट मैंने कर लिया है। और यहाँ पर डमी है, यहाँ पर शोल्डर तो है नहीं कि मैं आपको कटिंग अच्छे से क्लियर दिखा पाऊँ, क्योंकि शोल्डर में ही हम लेयर कट को अच्छे से दिखाते हैं। मैं यहाँ पर स्क्रीन में पिक लगा रही हूँ, आप देख लीजिए यहाँ पर इस तरीके से ही ये हेयर कट आया है, आप मिला भी सकते हो। तो ये हो गया है एक साइड का। अब हम फिर से अब बाकी की हेयर को भी कट कर लेते हैं, बैक के हेयर को। तो सेम प्रोसेस होगा, यहाँ भी बेस के हेयर को लेना है देन कट करना है। एंड आप देख रहे होंगे मैं ऐसे पकड़ रही हूँ, फिर कहीं पर दूसरे तरीके से पकड़ रही हूँ, नहीं, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप वैसे पकड़ो। बस आप ये ध्यान में रखना छोटी से बड़ी आपकी हेयर को लेके जाना है, शॉर्ट 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 करते हुए शॉर्ट आएगा, फिर मीडियम आएगा, देन लॉन्ग आएगा। आपको इसी तरीके से लेयर कट करनी है। तो जिस तरीके से मैं देखिए आप फिंगर को जिस तरीके से मैंने रखा है उसी तरीके से हेयर को कट कर लिया मैंने। और यहाँ पर हेयर कट हो गया है, लेकिन अब हमें इसे क्लीन दिखाना है एंड अब हम बैक में हेयर को कट करेंगे, ठीक है। थोड़ा भी छोटा बड़ा अगर आपको लगे तो आपको फिर से कट करनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, तो बैक में आप देखो बहुत सुंदर सा ये लाइट भी में आ गया है, लाइट नहीं एक्चुअली ये डीप भी में आया है। बट अगर आपको लगे ना थोड़ा सा नीचे अच्छा नहीं लग रहा है,
आप देख रहे हो मैं थोड़ा सा कट करूँगी जस्ट जितना मुझे ज़रूरत है, हालांकि कटिंग बहुत जितना जैसा आना चाहिए प्रॉपर वैसी कटिंग आ चुकी है क्योंकि हमने बेस बना लिया था। नाउ यहाँ पर जो थोड़े बहुत हेयर हल्के हल्के निकले हुए थे मैंने उसे अच्छे से ट्रिम कर दिया और यहाँ पर आप कट देख सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको इस तरीके से करके कट ही दिखा रही हूँ क्योंकि ऑफकोर्स ये डमी है, अगर ये इंसान के होते ना तो ये अपने से ही खुद से ही सेट वेट कर लेते, बट इसे मुझे ही करना है। एंड आप देख सकते हो किस तरीके से मैं आपको कटिंग समझा रही हूँ, दिखा रही हूँ और आपको समझ में आ भी जाएगी। मैंने तो फुल कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की। नाउ लेयर कट में, लेयर कट यही होती है, आप अगर ओपन भी रखते हो तो ऑफकोर्स मिडिल पार्ट तो कोई नहीं रखता है ना, ये देखिए साइड पार्टिंग ही सब रखते हैं। और साइड पार्टिंग करके आप रखोगे आपकी हेयर कटिंग बहुत खूबसूरत आती है, बहुत खूबसूरत। और ये डमी की हेयर जो है ना, आप देख सकते हो फ्रंट की हेयर तो ऊपर की तरफ चढ़ जा रही है, बट इंसान के हेयर में ऐसा नहीं होते हैं, रियल हेयर ऐसे नहीं होते हैं, वो फेस से होते हुए नीचे की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर डमी की फेस की हेयर है जो उड़ गई है, तो यहाँ पर आपको अच्छे से लेयर कट दिख रही होगी। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करना, आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। इस वीडियो में भी 1K टारगेट रखा है मैंने, आप लोग देखते हो बट लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो। अगर आप लोग शेयर नहीं करोगे तो मुझे काम करने में कैसे मज़ा आएगा गाइस, तो प्लीज़ शेयर करना। एंड आप कोई भी कटिंग करो ना, एक बनाना क्लिप लगा के आप देख लो, आपको कटिंग समझ में आ जाएगी और बहुत खूबसूरत दिखेगी, आपके क्लाइंट भी खुश हो जाएगी। लेकिन एक बनाना क्लिप आप अपने साथ ज़रूर रखिए। नाउ लॉन्ग लेयर कट में मैंने दिखा दिया, अब मैं थोड़ा बता दूँ जिनके फेस बड़ी होती है उनमें थोड़े से शॉर्ट हेयर चलती है फेस में, तो यहाँ पर मैं आपको वही दिखा रही हूँ। आप इसे फ्रंट में शॉर्ट भी कर सकते हो बट आप बैक में आपकी शॉर्ट नहीं होगी। तो फिर से मैंने यहाँ पर W बना लिया है, आप देख सकते हो W बन चुका है। एंड इसके अकॉर्डिंग सिर्फ फ्रंट की हेयर को मैं थोड़ी सी कट करूँगी और बैक के हेयर को ज़्यादा आपको हाथ नहीं लगाना है। आप देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, जिनको शॉर्ट, एक्चुअली मैं बोलूँगी ना कि फेस में थोड़ा सा शॉर्ट करते हुए ही लॉन्ग अगर जाए लेयर कट में तो बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन बहुत लोग फ्रंट में शॉर्ट हेयर इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि काम वाम करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, फेस में बार बार हेयर आती है। तो कोई नहीं, दोनों ही सूरत में आपको अच्छी ही लगेगी हेयर कटिंग, आपकी जो लेयर कटिंग है बहुत खूबसूरत होता है, इसलिए मुझे मेरी फेवरेट है लेयर कटिंग एंड मल्टी कट, दोनों ही मेरी फेवरेट है। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने कर लिया है कटिंग एंड उसी के अकॉर्डिंग फिर से थोड़ा 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 जस्ट थोड़ा थोड़ा ही सेप करूँगी ताकि ऐसा ना लगे कि एक बार से ही कट हुआ है एंड कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ से ख़त्म हुआ आपको पता चले, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल एक जैसा नहीं लग रहा है, आप देख सकते हो छोटे से छोटा फिर मीडियम फिर बड़ा आ गया है। तो या आपने देखा मैंने नीचे से कैसे शेप किया, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने दिखा दिया है और एक बार बैक को भी मैं ले लूँगी ताकि बैक को भी थोड़ा बहुत अगर ज़रूरत है तो कटिंग करना पड़ेगा जैसे कि मैं कर रही हूँ, क्योंकि आपको एक शेप में लानी है इसलिए बस। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया है एक साइड का एंड ऐसा सेम प्रोसेस ही आपको दूसरे साइड भी करना है। तो आप यहाँ पर लेयर कट देख सकते हो, तो एक लाइक ज़रूर ठोक देना यार, ठीक है। और हाँ मुझे कमेंट ज़रूर आएंगे कि ये डमी आपने कहाँ से लिया है, तो जो कोलकाता में रहते हैं उनको मैं बता दूँ ये डमी मैंने लिया है इस प्लैनेट से और ये डमी मैंने 700 या 800 में लिया था। तो या इसमें आप हीट नहीं यूज़ कर सकते हो, सिर्फ कटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने अपनी कटिंग जो है कंप्लीट कर ली है, तो ये देखिए लेयर कट इस तरीके से ही लेयर कट आता है। तो या यही था वीडियो, आप लोग अगर कटिंग वटिंग करोगे ना तो मेरे साथ शेयर ज़रूर करना इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में, मुझे फॉलो भी कर लेना। तो यहाँ पर आप देखो आपको आपके क्लाइंट को ना सेटिस्फाई करना है दिखा के कि ये देखिए आप ऐसे करके हेयर रखिए काफ़ी सुंदर लगेगा, आप पॉनिटेल करके रखिए अच्छा लगेगा, ये फेस पे भी डिपेंड करता है ऑफकोर्स। तो ये आप लोग थोड़ा सा देख लेना। अब यहाँ पर डमी को मुझे लगा था डमी सीधा है बट थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है, बट आपको समझ आ रहा होगा, है ना, आपको समझ आ रहा होगा। तो चलिए यही था आज का वीडियो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे याद ज़रूर करिएगा जब भी आप कटिंग करिए मेरे साथ शेयर ज़रूर करिए। तो यार यहाँ पर हो गया लेयर कट, लॉन्ग लेयर हेयर कट। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।